हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सत्यम प्रकाश। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग देखा है तो आप जानते होंगे कि मैं इस वक्त काजा में हूँ। लगभग तीसरा दिन है ये काजा में हमारा। और एक दिन हम लोग गए थे मैं की मोनेस्ट्री, जो आप मेरे पिछले ब्लॉग में देख सकते हो। दो दिन, एक दिन तो मैं पूरी बर्फबारी होती रही तो हम लोग निकल नहीं पाए, और दूसरे दिन उस बर्फबारी कारण से रोड पूरा जाम हो गया। तो वो भी एक रीज़न रहा कि हम लोग कहीं रोड ब्लॉकेज में चारों तरफ था तो हम लोग कहीं निकल पाए। अब आज चूँकि रोड खुला है तो हम लोग निकलने का प्लान किया चीचम ब्रिज। यहाँ का बहुत फेमस ब्रिज है, एक्चुअली इंडिया का फेमस ब्रिज इसलिए है क्योंकि वो एशिया के सबसे हाईएस्ट ब्रिज में से एक है। मतलब एल्टीट्यूड वाइज वो आपको लगभग 13,500 फीट की ऊँचाई पर वो है ब्रिज। और उसी के थोड़े से ऊपर में लगभग 2-2.5 किलोमीटर और ऊपर अगर आप चले जाओगे तो एक किबर गांव है, वो भी काफ़ी फेमस है। बस उसके फेमस होने का रीज़न ये है कि वहाँ पे आपको उसकी जो एल्टीट्यूड है उस ऊंचाई पर वो गांव बसा हुआ है, इस कारण से वो थोड़ा इतना फेमस है। तो आज हम लोगों ने प्लान किया है कि एक तो चीचम ब्रिज भी जाएँ और दूसरा फिर वो किबर गाँव भी जाएँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन मैं सीधे चीचम ब्रिज ले जाऊँ उसके पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा वो रास्ता जो चीचम ब्रिज को गया है। तो देखिए, तो हम लोग पहुंच चुके हैं चीचम ब्रिज। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे जो ये ब्रिज है, ये स्पैन केबल ब्रिज बेसिकली कहते हैं। स्पैन केबल ब्रिज वो होता है जो आपको वो केबल्स आपको नज़र आ रहा हो, केबल के सहारे ये ब्रिज हैंग किया हुआ रहता है, तो इसलिए इसको स्पैन केबल ब्रिज कहते हैं। और इसका आप अगर मैं कहूँगा कैमरा पैन करने के लिए तो आप अगर देख पा रहे हो यहाँ पर, तो ये देखिए ये एल्टीट्यूड है 13,596 मतलब 13,596 फीट की ऊँचाई पर है ये, जो कि लगभग मैं 4,145 मीटर्स होता है MFC लेवल। इस ब्रिज की खासियत यही है कि ये स्पैन केबल ब्रिज इतनी ऊंचाई पे बना है और ये एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज में मतलब हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे बना हुआ ब्रिज है ये। इस ब्रिज को अगर आप देखते हैं तो इस ब्रिज के बारे में कहा जाता है कि अगर आप इसकी गाड़ी गुजर रहे हैं तो एक बार में एक ही गाड़ी गुजरे, हालाँकि वहाँ पीछे में लिखा हुआ भी है जी, मैं आपको दिखाऊँगा। अगर आप इसको यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए थे तो उन्होंने उद्घाटन किया था वीरभद्र सिंह। ये देखिए 3 सितंबर 2017 को हुआ था इसका, वीरभद्र सिंह के कर कमलों द्वारा। तो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे किबर गांव। उससे पहले किबर गांव जाऊँ आपको मैं एक ब्रिज को थोड़ा सा क्लोजअप टूर करा दूँ जरा, कैसा है ये ब्रिज देखने में। तो आइए देखते हैं। तो कुछ ऐसा ही है, काफ़ी सुंदर ब्रिज है। आपको इस हाइट पे आकर के आप देखो ज़रा, हम लोग ऑलमोस्ट ब्रिज के सेंटर में आ चुके हैं लगभग। तो मैं एक बार आपको जरा सा यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए काफ़ी फिसलन है, ये इसकी खाई देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखिए कितनी गहरी है। आपको शायद दिख भी नहीं रहा हो, मैं इतनी गहरी खाई है कि दिख भी नहीं पा रहा हूँ। मैं दूसरी तरफ से कोशिश करता हूँ अगर आपको दिख जाए तो। ये देखिए काफ़ी गहरी खाई है, पता नहीं कैमरा में जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं वो गहराई, लेकिन ये एक तो बहुत ही खूबसूरत जगह पर ये बना हुआ है ब्रिज, और दूसरे बहुत ही गहरी खाई के ऊपर ये ब्रिज बना है। तो जिन्होंने बनाया है वो हैट्स ऑफ उनको करना पड़ता है भाई। अब ये पूरा ब्रिज हम लोग चल के पार कर रहे हैं, तो आपको ब्रिज का मैं एक एंड तो आपने देखा ही, दूसरा एंड भी आपको दिखाता हूँ
वो ब्रिज का दूसरा एंड कैसा है। तो ये हम लोग आ गए ब्रिज के दूसरी तरफ। इस तरफ भी वैसा ही है। ये ब्रिज इसी रास्ते से हम लोग आए थे काजा होते हुए। और ये देखिए, तो कुछ ऐसा है इसका दूसरा एंड। देखिए, मैंने आपको बताया था एक समय में एक ही वाहन पार करें, पुल के ऊपर गाड़ी खड़ी ना करें। तो हम लोग पहुंच चुके हैं किब्बर गांव। आप ये देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है और ऐसा लग रहा है हम ही लोग यहाँ पे भी एकमात्र आए हुए हैं। हालांकि टूरिस्ट यहाँ पे बहुत आते हैं किब्बर गांव, यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर वो दिखाने के लिए। तो यही सोचते हुए हम लोग भी आया यहाँ पर कि हिमाचल में लोग इतनी हाइट पर कैसे रहते हैं। बर्फ़ पूरी जम चुकी है, फिसलन भरी है, तो आज एक सोचते हुए हमें चलना भी है। ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रखी है। ये अच्छी बात रही कि मैंने गाड़ी थोड़ी दूर पर खड़ी कर दी। हालांकि यहाँ कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं जिसे देखकर ये लगता है कि ये गाड़ियाँ यहाँ रहने वालों की हैं। वैसे आपको बता दूँ, यहाँ आने वालों की बड़ी तादाद ट्रैकिंग करने वालों की भी होती है। आप किसी भी होम स्टे से बात कर ट्रैकिंग टीम से जुड़ सकते हैं। ये जगह काजा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, किब्बर गांव नाम है इसका। ये गांव लगभग 14,200 फीट पर स्थित है। वैसे बता दूं, कॉमिक गांव दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित गांव है, जिसकी ऊंचाई 15,500 फीट है। ये भी लाहौल स्पीति का ही हिस्सा है। ये देखिए नॉर्लिंग होम स्टे, जैसे मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे होम स्टे काफ़ी हैं। और हाइट से या ऊंचाई से ये गांव कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में मैंने आपको इन होम स्टेज में से कुछ एक का नंबर भी दिया है। तो सामने में जो ये घर आप देख रहे हैं, ये सारे मड हाउस हैं। देखने में सीमेंट से बना घर लगता है, मगर ये मिट्टी के बने घर हैं। इन घरों की खासियत ये होती है कि ये बेहद ठंड में भी गर्म रहते हैं। यहाँ पर होम स्टे, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। काफ़ी सुंदर गांव, बेहद सुंदर है ये। अगर आप स्पीति आ रहे हैं तो एक बार मैं कहूँगा आप ज़रूर यहाँ पर आएँ। यहाँ आने से आपको पता चलेगा कि जो लोग या जिनके घर आप देख रहे हैं उनका या उनकी लाइफ स्टाइल कितनी कठिन है, कितने टफ है, ये लोग कितने टफ कंडीशंस में रहते हैं। मुझे बताया गया है कि यहाँ इस बार काफ़ी बर्फबारी हुई, साथ ही सीजन से पहले ही बर्फ़ गिरने शुरू हो गई थी। जैसा आप देख सकते हैं, इस गांव में काफ़ी घर हैं, लगभग 100 से 200 घर तो होंगे ही। हालांकि रोड कंडीशन, अगर गाँव के रोड कंडीशन की बात की जाए तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखिए किस तरीके से, आप खुद ही आप समझ पा रहे होंगे देख करके, जिस तरीके की रोड है ये। पहले तो फिसलन भरी है, बर्फ़ के कारण से ये फिसलन भरी हो गई है, और साथ साथ में रोड भी कहीं कहीं पे टूटे हुए हैं और उबड़ खाबड़ टाइप का रोड है। हालांकि यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इतनी ऊंचाई पे रोड होना भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको रोड बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और मशक्क़त लगती है। वैसे आप सड़क के किनारे जो लकड़ियाँ देख रहे हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको। ये जो लकड़ियाँ आप देख रहे हैं, इन सभी लकड़ियों को लोग खुद को गर्म रखने और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
क्योंकि ठंड के मौसम में इस गांव की कनेक्टिविटी दूसरे गांव से पूरी तरह कट जाती है, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि ये लोग अपने ज़रूरत का सारा सामान पहले से इकट्ठा करके रखें ताकि मुश्किल वक्त में इन्हें परेशानी न उठानी पड़े। पहाड़ों के बीच मौजूद ये गांव निश्चित तौर पर आपको अपना दीवाना बना देगा। यहाँ ज़्यादातर लोगों ने अपने घरों के ऊपर वाटर हीटर लगा रखा है। इस वक्त टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री सेल्सियस है, तो जब ठंड अपने चरम पर होती है यहाँ का तापमान गिरकर -20 डिग्री तक पहुँच जाता है। सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं उसके बारे में मुझे बताया गया कि ये भी एक रास्ता है काज़ा जाने के लिए, हालांकि वहाँ पे बर्फ़ जमे होने के कारण से फ़िलहाल के लिए वो रास्ता बंद कर दिया गया है। खैर, आप नीचे देख सकते हैं कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, स्थानीय लोग हैं ये लोग। दिल्ली जैसे जगह से जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर इस तरीके का नीला आसमान शायद ही कभी देखने को मिलता हो। हाँ, एक बार जब लॉकडाउन का समय था तब मुझे इस तरीके नीला आसमान देखने को मिला था, हालांकि इतना नहीं था फिर भी नीला आसमान था उस समय, मगर यहाँ पर आना एक अलग ही आपको अनुभव देने वाला है। और एक और बात, यहाँ पर एक प्राइमरी हॉस्पिटल भी है, मतलब आप छोटा मोटा इलाज करवा सकते हैं। जो तस्वीर में आप देख रहे हैं सामने, ये एक प्राइमरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, तो इसलिए अगर कोई आते हैं और भगवान ने कहीं कुछ उनको तकलीफ़ होती है तो यहाँ पर आकर के वो अपना इलाज करवा सकते हैं। वैसे इस गांव के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ, इस गांव में रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा अगर कहा जाए तो वो टूरिज़्म सेक्टर से जुड़ा हुआ है, और साथ में कुछ लोग फार्मिंग भी करते हैं, टेरेस फार्मिंग। हालांकि अभी चूँकि बर्फ़ गिरने से उनके खेत बर्फ़ में दब चुके हैं, ढक चुके हैं, तो इसलिए जो बर्फ़ हमारे चेहरों पर मुस्कान लाती है वो इनके चेहरों पर कभी ना कभी मायूसी भी लाने का काम करती है। तो आइए, अब वक्त हो चुका है वापस लौटने का, क्योंकि पहाड़ों पर मौसम कब बदल जाए ये बताना काफ़ी मुश्किल है। इससे पहले कि बर्फ़ारी शुरू हो जाए और मैं यहाँ फंस जाऊँ तो बेहतर है कि यहाँ से निकलते हैं। हाँ, एक और ज़रूरी बात, अगर आप यहाँ आते हैं तो बता दो कोई पेट्रोल पंप नहीं है, इसलिए गाड़ी में पेट्रोल फुल करवा के आएँ। तो इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ में तो हम लोग ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपने देखा ये गांव, कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं, किस तरीके क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पर एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है, आपको होम स्टे मिल जाएगा। तो अगर आप एक दिन का ट्रिप में प्लान कर रहे हैं काज़ा से तो ये आप आ सकते हैं, अच्छा एक ऑफ बीट लोकेशन है। और साथ में आप देखिए एक वो जो सड़क, मुझे बताया गया कि एक वो सड़क वहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो वो सड़क भी शायद काज़ा से जाती है, यहाँ के गांव वालों ने मुझे बताया ये बात। अब कितनी सच्चाई नहीं चाहिए इतना नहीं, लेकिन यहाँ पर एक जो लोग जाते हैं वो एक मंदिर है। तो अगर आप मैं कहूँगा कैमरा पैन करने के लिए इस तरफ को, तो ये देखिए अगर आप देख पा रहे हो दूर में एक पताका लहर रहा है और वो मंदिर है। तो जनरली लोग आते हैं तो वहाँ तक मंदिर तक जाते हैं, लेकिन चूँकि रास्ते बहुत फिसलन भरे हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि बेटर होगा कि यहीं तक ही मैं इस वीडियो को रहने दिया जाए। और अगर आपको अच्छा लगा ये ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं रास्ते कितने खतरनाक थे। हम लोग जिस रास्ते से गुजर रहे थे वहाँ पे काफ़ी फिसलन भरा रास्ता था, तो उस बीच मैंने आपके लिए ब्लॉग लाया है। और ये है अक्टूबर का एंड है, तो जो लोग सोच रहे हैं कि अक्टूबर के एंड में स्पीति में क्या कैसे कंडीशंस हो सकते हैं, तो मैं बता दूं अभी के का टेम्परेचर लगभग 7-7 डिग्री टेम्परेचर के करीब में है। तो आप देख सकते हैं आगे टेम्परेचर और बढ़ने वाला है, तो आप अपने साथ में अच्छे ऊनी कपड़े लेके आएँ ताकि आप यहाँ पर ठंड से बच सकें। तो खैर, तब तक के लिए बाय बाय।